guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अलग और अनोखी स्टोरी लेकर के। पर आज की स्टोरी ना हमारे किसी सब्सक्राइबर की हॉरर स्टोरी नहीं होने वाली है। पर रुको रुको रुको, हमारे सब्सक्राइबर की हॉरर स्टोरी से भी ना 100 times ज्यादा डरावनी होने वाली है। आज की जो ये स्टोरी है ना, ये कम्प्लीटली फैक्ट्स पर बेस्ड है, कोई इसको झुठला नहीं सकता है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल गया होगा एंड टाइटल में भी हमने आपको कंप्लीट हिंट दे दिया है कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियल लाइफ टार्ज़न गाड़ी की। लाइक रियल लाइफ टार्ज़न गाड़ी जैसी भी कोई चीज होती है क्या? इसका आंसर तो आप लोगों को वीडियो में आगे मिलेगा। पर उससे पहले ना आज हम लोग आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज लेकर के आए हैं, पहले वो देख लो। देखो आप लोगों से ना आज हम और दीदी ना एक राज की बात बताते हैं। सबको ना अपने फेस में ना कुछ पार्ट ना थोड़ा लगता होगा कि काश ये ठीक हो जाता। किसी को अपनी नाक पसंद नहीं आती है, किसी को अपनी आंखें पसंद नहीं आती है, किसी को अपने लिप्स पसंद नहीं आते हैं। तो वैसा मेरे साथ भी सीन है। मेरे को क्या है ना, मेरे लिप्स ना थोड़े पतले लगते हैं। दीदी का देखो कितना सही पाउटी लिप्स है और हमको हमेशा इससे जलन होता है। तो ना अभी ना बहुत टाइम से हम क्या सोच रहे थे ना कि मेरे को ऐसा कोई जेम मिल जाए, ऐसा कोई खजाना मिल जाए ना जिससे ना वीडियो में मेरा लिप्स भी पूरा पाउटी जैसा लगे। लेकिन भाई मेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि हम जाके लिप इंजेक्ट या फिर लिप फिलर करवा ले, और ना ही मेरे जेब में इतने ज्यादा पैसे हैं। और हम और दीदी ये प्रिफर भी नहीं करते हैं कि आप अपने नेचुरल ब्यूटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करो। तो हम और दीदी ना आप लोगों के लिए एक मस्त सा अल्टरनेटिव सोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है रेने टीज लिप प्लम्पर। एंड हम लोग ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत टाइम से सुन रहे थे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वी जस्ट कांट रेजिस्ट आवरसेल्फ टू ट्राई दिस आउट। इसीलिए फाइनली वी हैव रिसीव्ड दिस रेने का लिप प्लम्पर। तो दीदी अब जल्दी से ना मेरे को ये वाला लिप प्लम्पर ट्राई करना है। एंड यू नो वॉट, इसका टेक्सचर इतना अच्छा है ना, लिप्स पर इतने अच्छे से ग्लाइड हो रहा है ना, ठंड में चैपी लिप्स से भी छुटकारा मिलेगा। आपके लिप्स को ये हाइड्रेट करके रखता है एंड साथ ही साथ इसका एक और यूज है, वो है ना कि आप लिपस्टिक के ऊपर इसको एज अ लिप ग्लॉस भी यूज कर सकते हो। एंड इसकी स्टेइंग पावर है अप्रोक्स मिनिमम 5 से 7 घंटों तक। तो हमें तो हमारा फेवरेट लिप प्लम्पर या लिप ग्लॉस कह लो मिल गया है। और अगर आप भी बाय करना चाहते हो ना तो हमारा कूपन कोड जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा Priyashi10 कैपिटल लेटर्स में है। तो वी नो कि यू ऑल आर गोइंग टू थैंक अस लेटर, बट ठीक है, यू आर वेलकम। चलो वीडियो में सीधा जंप करते हैं। तो जी हम लोग तो माहौल बना करके बैठ गए हैं एंड वी होप कि आप लोगों ने भी अभी तक माहौल बना लिया होगा। तो चलो उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो कि हमने अभी पीछे छोड़ दी थी। किस बारे में? टार्ज़न वाली गाड़ी के बारे में। तो जी हाँ, जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना तो इसका जो क्रेज था ना वो नेक्स्ट लेवल था। ना कि केवल उस टाइम, आज भी ना इस मूवी को देखते हैं ना तो मजा आ जाता है। एंड आप लोगों में से भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, यू ऑल विल अग्री कि टार्ज़न मूवी आप लोगों की वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक होगी। टार्ज़न मूवी का क्रेज स्पेशली मेरे अंदर तो इस कदर छाया था ना कि मेरे को पता है क्या लगता था कि जैसे रात में मेरे घर की गाड़ी है ना वो भी खुद से निकल जाती होगी, शहरों में घूमती होगी, लोगों की मदद करती होगी एंड फिर घर वापस आ जाती होगी। तो चलो ये तो थी बचपन की बातें। फिर जब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोगों को पता चल गया कि नहीं भाई, ये सब फिक्शन स्टोरीज होती है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। बट वी आर सो रॉन्ग, इसका वास्तविकता से संबंध होता है। एंड ये चीज हमें कल ही पता चली है। एंड ये चीज जब रानी मेरे को बताई तो आई वॉज सो सरप्राइज्ड एंड एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि दीदी देखो ना टार्ज़न वाली स्टोरी। और कल जब हमको इस बारे में पता चला ना, उसके बाद हम पूरी रात इस बारे में अच्छे से सर्च किए कि सच में ऐसा कुछ है। जब मेरे को सारे फैक्ट्स पता चले तब लगा कि अरे आप लोगों से इस बारे में भी शेयर किया जाए। आप लोगों से शेयर किए बिना सची में पेट में ना दर्द होने लगता है। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, उनका नाम है श्री ओम बन्ना जी, जिनको बुलेट बाबा भी बोला जाता है। और आप लोग अभी वंडर कर रहे होंगे कि अरे इन्हें बुलेट बाबा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये श्री ओम बन्ना जी तो फेमस है ही, लेकिन साथ ही साथ जो इनकी बुलेट है ना
वो इनसे ज्यादा फेमस है। तो चलो आज उनके और उनके बाइक के एक एक पहलुओं पे अच्छी तरह से नजर डालते हैं। तो आज हम लोग जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो है राजस्थान के एक पाली नामक जगह है जिसके अंदर एक छोटी सी गांव है जिसका नाम है चोटीला। तो ये घटना है आज से 34 से 35 साल पहले की, यानी कि 1988। उस टाइम ना उस चोटीला गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था जिनके प्रमुख सदस्य का नाम था जोग सिंह ठाकुर। कुछ टाइम बाद ना उनकी शादी हुई और उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था ओम सिंह राठौर। अब धीरे धीरे समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ ओम सिंह भी बड़े होते हैं और साथ ही साथ उनके शौक भी बड़े होते हैं। और बड़े हो भी क्यों ना, आखिर वो ठाकुर परिवार से बिलोंग करते थे, तो उस टाइम उन्होंने बुलेट खरीदी थी। देखो, लड़कों को बोला जाता है ना कि उनका पहला प्यार कोई लड़की होती है या फिर कोई चीज होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग में से बहुत लोग एग्री करेंगे, लड़कों का पहला प्यार उनका बाइक होता है। तो ओम सिंह जी को भी ना बाइक से बहुत प्यार था और उस टाइम उन्होंने पता है कौन सी बुलेट खरीदी थी, 350cc रॉयल इनफील्ड। लाइक उस जमाने में बुलेट खरीदना और उस गांव में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और जब वो बाइक लेके निकलते थे ना, हर एक लोग उन्हें ऐसे मुड़ के देखता था। और बुलेट की आवाज तो आपको पता ही है ना, पर्सनली मेरे को भी बुलेट्स बहुत पसंद है। ओम सिंह जी ना अपने परिवार के सबसे लाडले बच्चे थे एंड अक्सर परिवार में ऐसा देखा जाता है रानी कि जो भी परिवार का सबसे लाडला बच्चा होता है ना, सबसे ज्यादा बिगड़ैल वही होता है। पर ओम जी के साथ कंडीशन ऐसी नहीं थी, इनकी कंडीशन बिल्कुल अलग थी। ओम सिंह जी इतने ज्यादा नरम दिल थे ना, इतने बड़े परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी ना उनमें थोड़ी सी भी अकड़ या थोड़ी सी भी घमंड नहीं थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे एंड दूसरों से ना बहुत ही ज्यादा तहजीब से बातें भी किया करते थे। अब तो ओम जी को उनकी पसंदीदा बाइक मिल गई थी, तो अपने बाइक के बिना ना वो 20 मीटर भी नहीं जाते थे, मतलब वो और उनकी बाइक दिन भर चिपकी हुई रहती थी। तो एक बार की बात है, ओम जी को किसी काम से ना चोटीला से बांगड़ी जाना था एंड बांगड़ी और चोटीला के बीच का जो हाईवे होता है ना, वो बहुत पहले से ही एज अ हॉन्टेड हाईवे फेमस था। मतलब उस हाईवे पर ना आए दिन कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटते रहती थी और एक्सीडेंट्स होना तो वहां बहुत नॉर्मल था। एंड पता है क्या होता था, जिस किसी की भी एक्सीडेंट उस हाईवे पर होती थी ना, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होती थी। मतलब ऐसा एक बंदा नहीं होगा ना जिसकी एक्सीडेंट उस हाईवे पर हुई हो और वो जिंदा बचा हो। तो ओम जी जिस काम के लिए बांगड़ी गए हुए थे ना, उस काम को खत्म करते करते रात हो गई थी एंड रात को वो उसी हाईवे से बांगड़ी से चोटीला, मतलब कि अपने गांव लौट रहे थे एंड दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली एक पेड़ से टकरा करके उनकी बाइक की एक्सीडेंट हो जाती है एंड ऑन द स्पॉट ओम जी की भी डेथ हो जाती है। सिंस की वो एक्सीडेंट आधी रात को हुई थी, ऊपर से एक सुनसान हाईवे पे हुई थी, तो वी जस्ट कांट एक्सपेक्ट कि वहां पर कोई इंसान होगा। दैट्स व्हाई ओम सिंह जी की लाश ना 2 से 3 घंटों तक ना उसी हाईवे पर पड़ी हुई थी। शायद इतनी देरी नहीं होती और उन्हें समय पर हॉस्पिटल ले जाया जाता ना, तो उनकी जान बच सकती थी। एंड 1-2 घंटे के बाद ना उसी रास्ते से 4-5 लोग गुजर रहे होते हैं। जब वो लोग उस रास्ते से पार हो रहे होते हैं ना, तो वो लोग क्या नोटिस करते हैं कि एक पेड़ के पास एक बाइक गिरी हुई है, साथ ही साथ उसके बगल में एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ है। वो लोग झट से उस इंसान के पास जाते हैं, उसके चेहरे पर टॉर्च जलाते हैं एंड पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ओम सिंह जी है। वो लोग बिना देर किए उनसे जितना जल्दी हो सकता था ना, वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर हॉस्पिटल जाते जाते बहुत देर हो चुकी थी, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसा कि ये एक्सीडेंट का मामला था, तो ऑब्वियसली पुलिस को बुलाया गया था। पुलिस उस जगह पर जाती है, उस जगह की छानबीन करती है, बट इट वॉज अ प्रॉपर एक्सीडेंट, इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं रहता है। एंड पुलिस उस बाइक को उठा करके क्या करती है ना, पुलिस स्टेशन में सीज कर देती है एंड ओम सिंह जी के परिवार वालों को बुलाया जाता है एंड बताया जाता है कि उनके घर के चिराग की मौत हो चुकी है। इस घटना की खबर सुन के उनके परिवार को तो बहुत बड़ा सदमा लगा, उन्होंने अपना जवान बेटा खोया था। तो उस दिन की रात तो जैसे तैसे कट जाती है, बाइक को थाने लगा दिया जाता है और सारे पुलिस वाले अपने अपने घर भी चल जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है और सारे पुलिस वाले अपने अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, तो उन्होंने थाने में क्या देखा ना, जिस जगह उन्होंने बुलेट को लगाया था वहां पर वो बुलेट है ही नहीं। अब यहाँ पर लोग एक दूसरे से पूछते हैं,
कि क्या तुमने बुलेट को कहीं रख दिया क्या, या फिर उनके फैमिली में से कोई आकर बुलेट को अपने साथ ले गया। फिर यहाँ पर उनके फैमिली से पूछा जाता है कि आप बुलेट ले गए क्या, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी तक हमने कानूनी कार्रवाई नहीं की है इसलिए हमें बुलेट नहीं मिली। अब यहाँ पर सारे लोग ना टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये कानूनी मामला था कि आखिर गाड़ी गई कहाँ। अभी तक सारे लोग टेंशन में ये चीज सोच ही रहे थे, तभी एक दो गांव वाले आके थाने में बताते हैं कि ओम सिंह जी की बाइक मिल गई है। और आपको पता है उनकी बुलेट कहाँ मिली थी? उसी जगह जहाँ पिछली रात उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पर पुलिस वाले एक दूसरे का शक्ल देख के सोचते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, हमने तो सही सलामत बाइक को अपने साथ थाने में रखा था और थाने में बाइक लगा के थाने को बंद भी कर दिया था। बिना चाबी बुलेट कोई आखिर चला कैसे सकता है, और पुलिस वाले ऐसे मामलों में मजाक थोड़ी करेंगे। फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं भी गलती से कोई भूल गया होगा। फिर उन्होंने क्या किया, दिन में ही उस बुलेट को वापस से थाने में लगा दिया। चलो वो दिन तो बीत जाती है, दिन से रात हो जाता है, पुलिस वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर से थाना बंद हो जाता है। अब अगली सुबह पता है क्या होता है, फिर से थाने से बुलेट गायब थी। अब लोग सोचने लगे कि आखिर बुलेट गई कहाँ। फिर वो लोग बोलते हैं कि सबसे पहले हम लोग जाके वहां पर देखेंगे कि उसी एक्सीडेंट वाली जगह पे फिर से बुलेट तो खड़ी नहीं होगी। जब वो लोग उस जगह पे जाते हैं तो फिर देखते हैं कि बुलेट उसी जगह खड़ी है जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। इस बार वो लोग क्या करते हैं, बुलेट को तो थाने ले जाते हैं, लेकिन बुलेट से पूरी पेट्रोल को निकाल देते हैं और साथ ही साथ बुलेट को अच्छी तरह से एक मोटी चेन से बांध देते हैं कि फिर अगली सुबह ना ऐसा कुछ कारनामा ना हो जाए। अगली सुबह गेस व्हाट क्या होता होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, अगली सुबह फिर से वो बाइक वही थी, उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर ओम सिंह जी की एक्सीडेंट हुई थी। अब लोगों का दिमाग ना चकरा गया था, गांव वालों के बीच खौफ आ गया था कि आखिर कैसे वो बाइक खुद से वहां चली जा रही है, और सिक्कड़ जो थी ना, जो चैन थी वो टूट करके पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई थी। मतलब कौन सा इंसान है, किसमें इतनी ताकत आ गई है कि रात में पुलिस स्टेशन में घुस करके चैन को तोड़ करके बाइक को ले जा रहा है। यहाँ पर ना कुछ लोगों का कहना था कि मे भी कहीं ना कहीं शायद ओम जी हैं जो कि अपनी बाइक को वहां से ले जा रहे हैं। पहले तो गांव वालों ने बोला ना कि क्या बचकानी बात कर रहे हो, ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन बार 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 जब सेम चीजें रिपीट हो रही थी ना, तो ना चाह के भी ना गांव वालों को उस बात से अग्री होना पड़ा। घर वालों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन से वो बाइक छुड़वा ली, एंड पुलिस की रजामंदी के साथ सारे गांव वालों ने ये डिसाइड किया ना कि उसी पेड़ के नीचे जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर एक छाया डाला जाएगा और उसके नीचे उस बाइक को रख दिया जाएगा। अब चलो बाइक तो वहां पर रख दी गई, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को फील होने लगा ना कि ओम सिंह जी वहीं पर है, उनकी प्रेजेंस लोगों को फील हो रही थी। एंड जिस पोजीशन पर बाइक थी ना, अगले दिन अगले सुबह बाइक की पोजीशन अलग रहती थी। लोग डेली उस बाइक को साफ करते थे, लेकिन अगली सुबह ना बाइक पर धूल मिट्टी जमा होती थी, टायर बाइक की खराब हो गई थी, पेट्रोल खत्म हो जाती थी। अब लोग ना चाहते हुए भी इस बात पर विश्वास करने लगे थे कि हो ना हो ओम जी ही इस बाइक को चलाते हैं। एंड कुछ गांव वालों ने तो ये क्लेम भी किया है ना कि उन्होंने देखा है रात में उस हाईवे पर ओम जी को उस बुलेट को चलाते हुए। एक बहुत आश्चर्य वाली चीज आप लोगों को पता है, जब से उस बुलेट को उस पेड़ के नीचे रखा गया था ना, उस समय के बाद ना उस हाईवे पर एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। ओम जी के एक्सीडेंट से पहले ना हर महीने उस हाईवे पर एक्सीडेंट होना नॉर्मल था। अब लोग ना इन छोटी छोटी गुत्थियों को सुलझाने लगे थे। अब लोगों में ये विश्वास कह ले या आस्था कह ले, उन्हें ओम जी के प्रति आ गई थी। लोगों ने उस बुलेट की पूजा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी आस्था इतनी स्ट्रांग हो गई ना कि वहां पर ओम जी के नाम की मंदिर भी बना दी गई। अब केवल चोटीला गांव के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान से एंड धीरे धीरे तो देश दुनिया के भी लोग आते हैं वहां पर ओम जी से आशीर्वाद लेने। उस गांव में जब भी कोई नई गाड़ी या नई बाइक या नई बुलेट लेता है ना, तो एक बार ना उस ओम जी के बुलेट के पास अपनी नई गाड़ी को जरूर लाता है, ताकि कभी भी उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट नहीं हो। कहा जाता है ना कि जो ओम सिंह जी थे वो जिस दर्द से मरे थे ना, वो नहीं चाहते थे कि उस पीड़ा से कोई भी मरे, इसलिए वहां से आने जाने जितने भी
ट्रेवलर्स होते थे उनकी वो हेल्प करते थे। और ये भी मान्यता है ना कि उस हाईवे से गुजरते हुए जो भी वहां जाके मत्था नहीं टेकेगा उनकी दुर्घटना भी हो सकती थी। और ना वहां जाके अगर आप मौली धागा बांधोगे और कोई भी मन्नत मांगोगे तो आपकी वो विश जरूर पूरी होगी। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता है, बहुत लोगों ने ये भी दावा किया है ना कि जब वो इस हाईवे से क्रॉस होते हैं ना उस टाइम क्या होता है, अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है बिना ब्रेक के। और जब वो लोग कोशिश करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने का तब उनकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती। और कुछ देर बाद पता है क्या होता है, उनके उसी रास्ते से या तो कोई बड़ी ट्रक गुजरती है या फिर कोई बस। और जब उनके पास से बस और ट्रक गुजर जाती है उसके बाद अचानक से उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने ऐसा फील किया है कि हो सकता है कि ओम सिंह जी ने उनकी मदद की हो। और ऐसा ना किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ, मैक्सिमम 30-40% लोगों ने ये चीज का दावा किया है। इन सब घटनाओं के बाद लोगों की आस्था ना उनमें और ज्यादा बढ़ गई। फिर उन्हें एक नाम की उपाधि दी गई श्री ओम बन्ना जी की, और साथ ही साथ उन्हें बुलेट बाबा भी कहा जाता है। और उन्हें पता है प्रसाद के रूप में ना बियर भी चढ़ाई जाती है। मे बी उन्हें बियर बहुत ज्यादा पसंद होगी, मतलब बाकी प्रसाद भी चढ़ते हैं पर बियर इज दी मेन प्रसाद। एंड वी नो कि इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद ना यू ऑल आर क्यूरियस कि दीदी उस हाईवे का नाम बता दो। तो ये हाईवे है राजस्थान से अहमदाबाद जाने वाली नेशनल हाईवे जिसका नाम है NH-62। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इस बारे में आप लोगों को पहले से कुछ पता था या नहीं पता था, और अगर आप लोग इस रास्ते पर गए हो और अगर आपने भी कुछ फील किया है तो प्लीज वो भी हमें बताना। और ये भी बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाना। और अगर नए हो और ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।